अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है अडानी जी से रिलेटेड, तभी मैं इतनी खुश हूँ। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है अडानी इज जस्ट द स्टार्ट, दिस इज हाउ इंडिया विल बिकम नेक्स्ट यूएसए बाय 2050। ओके, सो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वी गॉट अप 22nd अप्रैल 2022 को अडानी ने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन होने का टाइटल छीन लिया। तो वहीं पर अगर आप पास्ट से लेके अब तक की इंडिया की जर्नी देखो तो साल 2011 में इंडिया का सिर्फ एक ही यूनिकॉर्न स्टार्टअप था जिसका नाम था इनमोबी, और वहीं आज की तारीख में इंडिया में 94 टोटल यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स मौजूद है। यूनिकॉर्न कंपनीज यानी कि वो कंपनीज जिसका नेटवर्थ $1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा अगर प्राइवेट बिग कंपनीज की हम बात करें तो रिलायंस, टाटा, अडानी के अलावा 333 कंपनीज खड़ी हो चुकी है। नॉट ओनली दिस बट इसरो के अलावा गोदरेज, विप्रो और आंध्र शुगर्स जैसी 368 प्राइवेट कंपनीज ने हाल ही में इंडिया को वर्ल्ड वाइड स्पेस सेक्टर में फिफ्थ पोजिशन पर पहुंचा दिया। तो क्या ये सब कोई संकेत है कि बाई 2050 इंडिया विल बिकम द नेक्स्ट अमेरिका? भूलो मत, आज के समय में भी जो सबसे बड़े कंपनीज है फॉरेन के भी, उनके सीईओस तो हम इंडियंस हैं। सो क्या फ्यूचर में इंडियन कंपनीज वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही होगी और बहुत सारा कुछ कंट्रीब्यूट कर रही होगी? लेट्स फाइंड दिस आउट इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड अडानी इज जस्ट द स्टार्ट, इंडिया कैन बिकम नेक्स्ट अमेरिका। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया 25th अप्रैल 2022 को गौतम अडानी वॉरेन बफेट को हराकर दुनिया के फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन बन गए, एंड अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स आज की तारीख में अडानी जी का नेटवर्थ $123.7 बिलियन है जबकि वॉरेन बफेट का $121.7 बिलियन है। अब जिसको वॉरेन बफेट कौन है वो नहीं पता, वो अडानी और मुकेश अंबानी जी के कंपेरिजन टेबल की ओर नजर डाले। जहां अडानी इंडिया का रिचेस्ट मैन है विद $123.7 बिलियन नेटवर्थ, तो वहीं पर मुकेश अंबानी जी $19 बिलियन से पीछे रह चुके हैं with a net worth of $104.7 बिलियन which makes him the second richest person in India. अब अंबानी जी Forbes real time billionaire tracker में 7th position पर आते हैं, so he is still very well in the game. But भाई लोग, यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा miracle हो गया। अडानी जी 2018 में 154th rank पर थे, वो अचानक से इतने कम साल में 5th rank पर कैसे आ गए? इतना बड़ा gap उन्होंने इतने कम time में कैसे पूरा किया? Well, उसके पीछे दो major reasons हैं। Reason number one, COVID pandemic. COVID-19 आया उसके पहले ही अडानी जी ने अपने बिजनेस को अच्छा खासा फैला कर रखा हुआ था। उन्होंने सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, नेचुरल रिसोर्सेस, थर्मल एंड रिन्यूएबल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा सेंटर्स, डिफेंस, एग्री एंड फूड, रियल एस्टेट एंड सिटी गैस यूटिलिटीज जैसे सेवरल बिजनेसेस में खुद को डाइवर्सिफाई करके रखा था। और इसी अडानी मॉडल की वजह से एक ऐसा चेन बन गया था जो ओरिजिन से लेकर एंड यूजर तक का पूरा पाथ कवर करता है। अब इसे होता क्या है, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाती है। अडानी जी ने ना सिर्फ पैंडेमिक में सर्वाइव किया बल्कि उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। तब अडानी ने 4 अचीवमेंट्स अचीव किए थे, लाइक अचीवमेंट नंबर 1, फाइनेंशियल ईयर 22 के फर्स्ट वीक में ही उनके लिस्टेड एंटिटीज की मार्केट कैप 7.4 लाख करोड़ रुपीस हो गई। अचीवमेंट नंबर 2, अडानी पोर्ट्स और एसईजी पोर्ट बेस्ड कार्गो के मार्केट शेयर्स 25% राइज हुए एंड कंटेनर्स के 41%। अचीवमेंट नंबर 3, अडानी ग्रीन लिमिटेड ने अपने शेड्यूल के 4 साल बाद वाले टारगेट को आज की तारीख में ही अचीव कर लिया। एंड अचीवमेंट नंबर 4, इंडिया के सारे मेजर सिटीज लाइक मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम एंड मैंगलोर में अडानी मैनेज्ड एयरपोर्ट्स हैं, और इसीलिए आज हर 4 में से 1 इंडियन पैसेंजर अडानी मैनेज्ड एयरपोर्ट से अपनी उड़ान भर रहा है। अब बात करते हैं अडानी जी के वेल्थ शूट अप रीजन नंबर 2 की, रशिया यूक्रेन वॉर। पूरी दुनिया में सनफ्लावर ऑयल मेजरली 3 कंट्रीज ही सप्लाई करती है, रशिया, यूक्रेन और इंडोनेशिया। अब रशिया, यूक्रेन तो तूतू मेमे में लग गए और इंडोनेशिया को तो ऑयल अपने डोमेस्टिक नीड्स के लिए बचाना है। सो यहां पर पूरी दुनिया क्या करेगी? करेक्ट, ऑल्टरनेटिव की डिमांड करेगी। एंड उन्होंने चूज किया ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल एक्सेट्रा, जिसको और किसी ने नहीं बल्कि अडानी ने ही सप्लाई किया। और तभी तो अडानी विल्मर के शेयर प्राइसेस रशिया यूक्रेन वॉर के बाद 42% राइज हो चुके और बीएससी पर 504.75 का रिकॉर्ड हिट कर चुके हैं। पर फ्रेंड्स, अब यहां पर बात तो यह है ना कि उस चार्ट तक पहुंचने के लिए अडानी को सिर्फ इन 2 रीजंस ने ही नहीं सपोर्ट किया, उसके पीछे उनकी कई सारी स्ट्रेटजीज थी, एक माइंडसेट था और बहुत सारा हार्डवर्क था। आइए बात करते हैं बिजनेस सेंस में उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज अपनाई। लेट्स फाइंड दैट आउट।
सबसे पहले तो एक कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो उस इंडस्ट्री में वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स या सर्विस ऑफर करे जो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। बट ऑन द अदर हैंड, मुकेश अंबानी जैसे बिलियनेयर ने समय रहते इंटरनेट और इंटरनेट रिलेटेड बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया और उनकी नेटवर्थ आज शूट हो गई है। सो बिलियनेयर या मिलियनेयर होने के लिए ट्रेंड का विजनरी होना जरूरी है और वो इंस्टिंक्ट आप डेवलप कर सकते हो थ्रू योर रिसर्च और थ्रू रीडिंग। फॉर एग्जांपल, आप 2030 हाउ टुडेज बिगेस्ट ट्रेंड्स विल कोलाइड एंड रीशेप द फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग, ये बुक पढ़ सकते हो जिसमें आपको नेक्स्ट 8 सालों में आने वाले सभी ट्रेंड्स के बारे में पता चलेगा जिस हिसाब से आप अपने बिजनेस या करियर को शेप कर सकते हो। और ये बुक को आप लिसन कर सकते हो ऑडियो फॉर्मेट में, वो भी हिंदी जैसी रीजनल लैंग्वेज में ऑन कुकू एफएम ऐप। कुकू एफएम ऐप में आपको ऑडियो फॉर्मेट में सेल्फ एम्पावरिंग बुक्स के साथ ही हिस्टोरिकल, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, सोसाइटी एंड कल्चर जैसे डिफरेंट जॉनर्स की किताबें सुनने मिलेगी और ये सारी किताबें आपका नॉलेज बढ़ाएगी जो आपके लाइफ को सही डायरेक्शन देगा। अब इसके ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए वैसे तो आपको 399 रुपीज भरना पड़ता है, मगर आप अगर मेरा कूपन कोड GETSET50 यूज करोगे तो आपको 199 रुपीज में इसके 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड डाउनलोड दिस वंडरफुल ऐप नाउ और यूज द कूपन कोड GETSET50 इफ यू आर डाउनलोडिंग आइदर फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। जस्ट फ्रेंड्स, हरी अप करना क्योंकि ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए है। और अब टॉकिंग अबाउट अडानी जी, तो जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर ट्रेंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही जरूरी होता है, सो लेट्स सी अडानी जी की यहां पर क्या स्ट्रेटेजी थी। Well, strategy number one, Digital India's program के चलते 2019 में अडानी ने San Francisco की डिजिटल रियलिटी के साथ एक टाई अप कर लिया सो दैट वो इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सके। यहाँ पर इंडिया के साथ उनका खुद का भी एक फायदा था क्योंकि वो इस कंपनी के साथ मिलकर डेटा सेंटर्स बना रहे थे, एक ऐसे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे जो इंडस्ट्री फ्यूचर बनने वाली थी। And as we all know, Adani Group का प्रेजेंस हर सेक्टर में है, तो बेसिकली यहाँ पर जायज बात है कि इंडिया के साथ मिलकर उनका भी फायदा था। अब यहाँ से इनका ना स्ट्रेटेजिक माइंडसेट नजर आता है, because literally वो उनको पहले ही भनक पड़ जाती है कि ये इंडस्ट्री आगे जाके बड़ी होने वाली है और वहां पर वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि वहां पर वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर ले और फ्यूचर जैसे ही वो बने उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो। स्ट्रेटेजी नंबर टू, जहां पर पीएम मोदी ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट सेट किया है, वहीं 2019 में अडानी ग्रीन ने यूएस की पूरी सोलर इंडस्ट्री से ज्यादा पावर प्रोड्यूस किया, जिसके चलते 2020 में अडानी ग्रीन ने सेक यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 8000 एमडब्ल्यू का प्रोजेक्ट साइन किया और उसी के साथ अडानी ग्रीन सोलर पावर प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर बन चुकी है। अब यहां पर आपको एक बार फिर से दिखा कि अडानी का विजन कितना स्ट्रांग था, अपने आज के चलते हुए बिजनेसेस के कंफर्ट जोन में बैठने के बजाय वो फ्यूचर की ओर कॉन्स्टेंटली नजर रखते हैं और देख रहे हैं जो इंडस्ट्री बढ़ने वाली है वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इससे इनका लीडरशिप माइंडसेट भी समझ में आता है। बट फ्रेंड्स, माइंड यू, सिर्फ अडानी जी अकेले ही नहीं है इस बिलियनेयर्स की रेस में, इंडिया में आज और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस रेस में दौड़ रहे हैं, क्योंकि अगर देखने जाए तो अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 2022 में 166 बिलियनेयर्स इंडियंस थे और इसी के चलते आज की तारीख में इंडिया बिलियनेयर्स के लिस्ट में 3rd rank पर आता है, जस्ट बिहाइंड अमेरिका एंड चाइना। और वेल्थ और वेल्दी लोगों के इस मीटियोरिक राइज के पीछे काफी सारे यूनिकॉर्न्स, मतलब कि एक प्राइवेटली ओन्ड स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन 1 billion से भी ज्यादा है, जिससे हमने बात किया कि सारी कंपनीज और उनके फाउंडर्स खड़े हैं पीछे लाइन में, बैकअप में वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल बनने की रेस में। अब इंडिया में मौजूद इन 94 यूनिकॉर्न्स में से 76 तो पिछले 3 साल में ही आए थे, तो अब आप ही समझ लो कितना ज्यादा और कितनी जल्दी इंडियन बिलियनर्स चार्ट पर दिखने लगे हैं। बट हियर लेट मी आल्सो इन्फॉर्म यू कि इंडिया 2050 तक अमेरिका बनने की पूरी तैयारी में है। और मैं यहां पर सिर्फ एक ही सेक्टर की प्रोग्रेस को देखकर नहीं कह रहा हूं, बल्कि सभी सेक्टर्स इक्वली की प्रोग्रेस चालू है। विश्वास नहीं होता? वेल, एग्जाम्पल साथ में लाया हूं। सेक्टर नंबर 1, डिफेंस। आत्मनिर्भर भारत के चलते अब इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट्स पर नहीं सेल्फ रिलायंट होने पर ज्यादा फोकस कर रही है और इसीलिए अडानी, टाटा और महिंद्रा जैसे 333 और प्राइवेट कंपनीज को डिफेंस प्रोडक्शन के लाइसेंसेस दे दिए गए और उनमें से अब तक तो 110 ने प्रोडक्शन चालू भी कर दिया है। सेक्टर नंबर 2, स्पेस। अब इंडिया और स्पेस सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले इसरो आएगा, बट ना, इसके अलावा गोदरेज, विप्रो और आंध्र शुगर्स जैसी 368 प्राइवेट कंपनियां और हैं जो स्पेस सेक्टर में इन्वॉल्व हो चुकी है, जिन्होंने मिलकर इंडिया को वर्ल्ड वाइड स्पेस सेक्टर में 5th rank पर पहुंचा दिया है। नॉट ओनली दिस, इंडिया में तो अब ब्रेन गेन भी हो रहा है, मतलब जो भी स्किल्ड लोग हैं वो दूसरे कंट्रीज से हमारी खुद की कंट्री में वापस आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर 2017 की बात करें तो 1000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट इंडिया वापस आ चुके हैं, जो साफ साफ ये दर्शाता है कि इंडियंस भी इंडिया को नेक्स्ट अमेरिका बनाने की रेस में शामिल हो चुके हैं। बट अगर पास की बात करें तो FY 16-17 में US अराउंड 10 यूनिकॉर्न्स अपनी लिस्ट में एड कर रहा था और वहीं पर इंडिया
था सिर्फ एक, बट पिछले चार सालों में ये नंबर एक्सपोनेंशियली 66% से ग्रो हुआ है। और अगर पिछले दो सालों की बात करें तो 57 इंडियन स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न की लिस्ट में ऐड हुए हैं, जिसके साथ इंडिया खड़ा हो चुका है 319.67 बिलियन डॉलर्स वर्थ के टोटल 94 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के साथ। इतने ज्यादा कि यूके जैसी डेवलप्ड कंट्री के पास आज सिर्फ 63 यूनिकॉर्न्स मौजूद है। वेल फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री के बिजनेसेस के सक्सेस होने के पीछे मेजर हाथ गवर्नमेंट का होता है। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएस, जो वहां पर इजीली लोन्स देकर असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही आज की तारीख में भी इंडियन यूनिकॉर्न्स के सक्सेस के पीछे भी इंडियन गवर्नमेंट का मेजर हाथ है, क्योंकि उन्हें भी हमारे देश को यूएस के तरह ही एक सुपर पावर बनाना है। बट बात यह है ना कि हमारी गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली कैसे सपोर्ट किया। So, support number one, government schemes. Indian government ने startups को support करने के लिए काफी सारे schemes launch किए, like number one, मुद्रा स्कीम। इस स्कीम में न्यू स्टार्टअप्स को easy collateral free loans provide किया जाएगा, जिससे business setup, grow और stabilize हो सके। Number two, e-Biz portal। ये इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल है, जिसमें बिजनेसेस रेगुलरली परमिशन और लाइसेंस यहीं से ले सकते हैं ऑनलाइन। नंबर थ्री, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। इस स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपीस का कॉर्पस सिडबी को अलॉट किया है, जिसके थ्रू स्मॉल बिजनेसेस को लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा, और ऐसे ही कई क्लियर आईएएस स्कीम्स के साथ इन यूनिकॉर्न बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाता है। सपोर्ट नंबर टू, इंडियन यूनिकॉर्न कैपिटल। बैंगलोर सिटी को इंडिया का यूनिकॉर्न कैपिटल कहा गया है, जिसको फॉलो दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज ने किया। इन सिटीज में इतने ज्यादा यूनिकॉर्न होने के पीछे का रीजन एक ये हो सकता है कि तीनों सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चरली काफी डेवलप्ड है। एज किसी भी बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए उस बिजनेस के ऑपरेशनल लोकेशन का डेवलप्ड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि बैंगलोर में बिजनेस रिक्वायरमेंट की हर चीज मौजूद है, इसीलिए ही उसे इंडिया का यूनिकॉर्न कैपिटल कहा जाता है। वैसे ही जैसे लंदन को यूके का यूनिकॉर्न कैपिटल कहा जाता है। सपोर्ट नंबर थ्री, गिफ्ट सिटी। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुजरात में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी बनाने का अनाउंसमेंट किया था, जहां पर इस सिटी में वॉक टू वर्क वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, और इसी सिटी में रेजिडेंस, आईटी हब्स, मॉल्स से लेकर मेजर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक न्यू डेवलपमेंट बैंक एटसेट्रा होंगे। प्लस ये एक SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी होगा, जहां पर टैक्सेस भी कम होंगे और प्रोजेक्ट अप्रूवल वो भी फास्ट मिलेगा। और तो और ये सिटी साउथ कोरिया में मौजूद सैमसंग डिजिटल सिटी से भी बहुत ही ज्यादा एडवांस होने वाली है, विच मींस गवर्नमेंट इज रियली सपोर्टिंग बिजनेसेस अ लॉट। अब सवाल ये है फ्रेंड्स कि क्या गवर्नमेंट बिजनेसेस को इसी तरीके से सपोर्ट करती रहेगी और इंडिया इन्हीं सेम डेवलपमेंटल लाइंस पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। वेल, उसी पर सब कुछ निर्भर है कि 2050 तक इंडिया अमेरिका बनेगा या फिर नहीं। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा इस पर आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपको भी लगता है ऐसा ही डेवलपमेंट कंटिन्यू होते रहेगा, या फिर गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज हो जाएंगे, या फिर गवर्नमेंट ही कोई और आ जाएगी? क्या आपको लगता है 2050 तक इंडिया अमेरिका को कंधे से कंधा टक्कर देगा? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना, जितना हो सके वीडियो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि उन्हें भी इंडिया की करंट सिचुएशन के बारे में मालूम पड़े और वो भी इंडिया के बेटर फ्यूचर के लिए कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें। एंड फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस इन द फ्यूचर, और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि आप नोटिफाइड रहो। और हां फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकु अच्छा, यानी कि मुकेश अंबानी, क्योंकि हम सुनते थे कि टाटा मुकेश अंबानी का हमने सुना था कि बहुत ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया है, लेकिन अब ये टाइटल अडानी जी के पास आ चुका है कि मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया बहुत अडानी से ऊपर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे अडानी जी आ रहे हैं जैसे आपने बताया, और सेकंड पे आते हैं अब मुकेश अंबानी। ठीक है, और वर्ल्ड में फिफ्थ नंबर पर आते हैं। बहुत बड़ी बात, दुनिया में कई देश हैं, दुनिया में कई करोड़पति, अरबपति, मिलीनियर, बिलीनियर लोग हैं। अमेरिका, लंदन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, आप कितने कंट्री बड़े बड़े हैं डेवलप, उनमें फिफ्थ नंबर पे अमीर तरीन इंसान, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात। अच्छा, कहते हैं वॉरेन बफेट का इन्होंने टाइटल, इन्होंने पोजीशन ली है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो थे इस पोजीशन पे तो उनको रिप्लेस किया गया है फिर से। अच्छा, एक चीज और है कि मैंने इनके जितने भी बिजनेस हैं, इनके जितने भी बिजनेस में इन्होंने हाथ डाला, मैंने एक चीज नोट की है तो उनकी पोजीशन पे ये आ गए। ठीक है, अच्छा मैं ये कहूँगा कि जितने भी बिजनेस में इन्होंने हाथ डाला, जिस टाइप के बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किए, वो कुछ छोटे बिजनेस नहीं थे। यानी मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कि हर उस बड़े काम में, उस बहुत बड़े इन्वेस्ट, बहुत बड़े काम में, आप सही कह रहे हैं, बहुत गंभीर कामों में इन्होंने जो भी काम थे वो बड़े गंभीर थे, लॉजिस्टिक के हवाले से, पोर्ट्स के हवाले से,
तो मुझे लगता है कि उसमें हाथ डाला और उसमें कामयाब हुए, तो बहुत ही हार्ड वर्किंग थी इनकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज रही होंगी, बहुत ज़्यादा माइंड सेट रहा होगा जैसे कि उन्होंने वीडियो में बताया। लेकिन मुझे एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई, मैं आपसे पूछना चाहूँगी और अगर आपके पास आंसर नहीं होगा तो हमारे व्यूवर्स बताएंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि सनफ्लावर ऑयल का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया था जब वॉर हुई, तो इनको क्यों, मतलब इनको अप्रोच किया गया और डिफरेंट कंट्रीज में इन्होंने जो एक्सपोर्ट किया ऑयल को, तो इन्होंने तो वो वाला सनफ्लावर ऑयल नहीं एक्सपोर्ट किया, दूसरा सोयाबीन वगैरह का ऑयल। लेकिन ये है कि उसका देखो एक चीज़ अगर नहीं है तो उसी जैसी दूसरी चीज बन सकती है, हो सकती है, तो ज़ाहिर सी बात है लोगों की जरूरत होती है। हाँ वो तो है, लेकिन अगर सोयाबीन वगैरह ऑयल है तो वो सिर्फ और सिर्फ इनका तो एक यूनिट नहीं होगा ना, और भी कंपनीज होंगी और नहीं, भी लोग करते होंगे। नहीं, बड़े लेवल पे बहुत ही बड़ी मांग पूरी करना तो इनके टक्कर का कोई और नहीं। तो देखिए बड़ी मांग पूरी करने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अमीर बंदा, तो आप जो है इतने देशों के लिए, अपने देश के लिए एक बहुत ही बड़े बल्क में कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो फिर वो अच्छा, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप किसी काम में लगाएंगे उतना ही बड़ा प्रॉफिट आपको मिलता है। मिलेगा। अच्छा, इन्होंने बताया कि एक कोविड, दो स्टेप्स रहे इनके जो इनको इनको कारामत साबित किया, जिन्होंने इनको बूस्ट अप दिया या जिन्होंने इनको कामयाबी तक पहुंचाया और इन्हें इतना अमीर इंसान बनाया, इंडिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बनाया। एक तो इन्होंने बोला कोविड की वजह से ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, इनकी स्ट्रैटेजीज ऐसी रहीं, ये वैसी बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को फैला रहे थे उन दिनों। दूसरा इन्होंने कहा कि वॉर के दौरान जो इनको बाहर से बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट्स आए, बहुत सारे इनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आए, क्योंकि उन दो कंट्रीज में जो चीज़ें होती थी तो वो दो कंट्रीज में तो वो जो उनको जो एक्सपोर्ट करनी थी, उनको जो ट्रेड करनी थी, तो उनकी जगह फिर ये आए, इनका नाम आया हुआ। अच्छा अच्छा, एक चीज़ है कि आप वक्त से फ़ायदा उठाएं, जो हालात चल रहे हैं, जो ठीक है, एक जो चीज़ ये बहुत ज़्यादा कामयाब होने के लिए, बहुत ज़्यादा अमीर होने के लिए, बहुत ज़्यादा एक कामयाब इंसान बनने के लिए मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जो चीज़ आपको कामयाब करती है वो करता है रिस्क। आप बहुत बड़े बड़ी चीज़ों में हाथ डाल दें, आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में बिस्मिल्लाह कर दें। अगर आप डरते रहते हैं, अगर हम सोचते रहते हैं, अगर हम फूक, अच्छा मैंने एक चीज़ नोट की है, बहुत अमीर बहुत ज़हीन आदमी कामयाब नहीं होता। सही, क्योंकि वो बहुत ज़हीन होता है। अच्छा फिर वो अच्छा बड़ा अच्छा स्टाइल था आपका, ठीक है ना। अच्छा फिर प्लीज, जो बहुत ज़हीन आदमी होता है वो बहुत ज़हीन होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सोचता है, बहुत विचार करता है, ठीक है ना। हाँ, वो बहुत ज़्यादा ही अकलमंदी का सामना करता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, जो थोड़ा सा बेवकूफ़ होता है, बेवकूफ़ भी नहीं, बहुत अपने आप को बहुत ही चालाक नहीं समझता, वो बिस्मिल्लाह कर देता तो है। वही ना, आपने दो बातें कही, आपने कहा एक तो बहुत ज़्यादा ज़हीन जो है वो कामयाब नहीं होता, और एक बहुत हद से ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान कामयाब नहीं होता। आपके ना जो नॉर्मल होता है, देखिए जो शख्स अपने आप को बहुत ज़हीन समझता ना, मैं बहुत ही ज़हीन हूँ, तो वो पता है वो कामयाब नहीं होता, वो तो बहुत ही नाप तोल करता है, ठीक है, रिस्क नहीं लेता। सही। अच्छा, जो बंदा स्टैंड लेता है, जो बंदा मतलब कर जाता है, वो कामयाब होता है। अच्छा, ज़हीन आदमी क्या करता है, बहुत ज़हीन आदमी नहीं नहीं, वो क्या करते हैं ज़हीन आदमी, फिर वो भी पैसा कमाते हैं, वो इन जैसे लोगों के मुलाजिम होते हैं, इन जैसे लोगों की कंपनियां चला रहे होते हैं, वो लोग भी अपनी खदमात पेश कर रहे होते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि वो लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज को बेहतरीन तरीके से चला रहे होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं वो जो रिस्क लेते हैं, स्टैंड लेते हैं, वो इन जैसे लोगों को पता नहीं। आप मुझे कितना समझते हैं, मुझे अभी टाटा जी वाली बात याद आ गई, क्या वो जो वो उनके मैनेजर थे वो कह रहे थे कि हम नहीं देंगे पैसे। हाँ। जब कंपनी का दिवाला हुआ था और टाटा ने कहा था कि नहीं आपको पैसे देने चाहिए, आप दे दो पैसे, जबकि उन्होंने नुकसान उठा लिया था, तो वो बहुत ज़्यादा ज़हीन थे, तो कह रहे थे नुकसान हो रहा है हम नहीं देंगे, हमें नहीं देना चाहिए, जिनको उन्होंने फारिग भी कर दिया था बाद में। अच्छा, और वो कह रहे थे नहीं, ट्रस्ट की बात है, वर्थ की बात है मेरी। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई अमीर अमीर और गरीब, अमीर आदमी बनने की। दूसरी चीज़ ये होती कि वो तो ये है कि मैंने देखा है कि अमीर आदमी जो वही बनता है जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके तजुर्बे हासिल करता रहता है, बेशक नुकसान हो, बेशक ये हो। और बहुत ज़हीन आदमी होता है, वो कहता है यार मैं यहाँ 5,000 क्यों लूँ, अच्छा मुझे मैं क्यों लूटूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कहते हैं कि आपको एक ही फील्ड में फोकस करना चाहिए, तो और एक ही जगह पे आपको चलना चाहिए, जब आप एक फील्ड में स्टेबल हो जाओ तो आपको दूसरे को छेड़ना चाहिए। मैं इनकी इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान रहती हूँ, दिल दिल में सोचती हूँ कि जिसे कामयाबी मिलनी होती है ना अल्लाह की तरफ से, जिसके नसीब में सक्सेस है, तो वो उसको मिल जाती है। अब आप देखिए इन्होंने कितने डिफरेंट कामों में
मतलब इन्वॉल्व किया है खुद को, डिफरेंट कामों में हाथ डाला हुआ है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम ये करवाते हैं, उसके अलावा हमने देखा लॉजिस्टिक का काम इनका पोर्ट है, का इनका है, ऑयल का इनका है, ठीक है, एयरपोर्ट्स का इनका है, तो मैं ये देखती हूँ कि ये कैसे मैनेज करते होंगे। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं आपको एक ही करना चाहिए और एक ही पे चलना चाहिए। इसकी वजह मैं बताता हूँ, इसका जवाब मैं ये देता हूँ कि जब आपका एक बिजनेस सही रन हो रहा है और आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट पड़ी हुई है तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे ना। लेकिन हर फील्ड में ही कामयाब हो जाएंगे, हर फील्ड में ही आगे चले जाएंगे। नहीं, आप देखिए, मैं ही कहूंगी इसमें हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा है, टाइम देना पड़ेगा। देखिए, आप हो किसी कंपनी के मालिक, फिर आप दूसरी कंपनी करते हो, आपके जो बहुत जहीन लोग हैं ना, वो आपके काम आते हैं ना, वही चला रहे होते हैं। फाइनल डिसीजन आपको लेना है, जैसे कि इस तरीके के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आप हमने देखा था कि क्या कहते हैं, यूके के जो, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो आए थे इनसे मिलने, तो बड़ी बड़ी मीटिंग्स आपने देखनी है, बड़े बड़े डिसीजन आपने लेने हैं, उसके अलावा सारे काम दूसरों ने करने हैं, वही तो मेन काम है ना। एक आपका रॉन्ग डिसीजन आपको लेकर डूब जाता है। तो मैं ही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ही अकलमंद लोग होते होंगे जो एक साथ इतनी चीज़ों को मैनेज करते हैं। जैसे अभी आपने कहा ना कि आपका एक डिसीजन आपको ले डूबता है, बिल्कुल ऐसे ये नहीं सोचते, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, बहुत सही कह रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे स्टैंड लेते हैं और रिस्क लेते हैं। अच्छा, वो कहते हैं डूबने का नहीं सोचते। वो तो हमने देखा है ना कि वो एक हमने स्प्राइट का ड्यू का एडवर्टाइज देखा है, जिसके अंदर कहते हैं डर के आगे जीते। तो इसको नॉर्मली भी अपनी लाइफ में भी लोग इस पे अमल पैरा होते हैं, इसको लाइफ में भी अपने यूज करते रहते हैं कि कभी कभी कोई रिस्की काम होता है ना, तो लोग कहते हैं कर लो यार, डर के आगे जीते। और वाकई मैंने देखा है कि जब आप डरते हो ना किसी काम से और डरते डरते कर लेते हो, तो वाकई आगे आपको कामयाबी मिलती है, आप सुरखरू होते हो। मिलती है। अच्छा, एक चीज़ है, अभी हमने एक डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम की जी की वीडियो देखी थी, और मैंने कई और लोगों के भी वीडियोज में ये सुना है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा हासिल करने का सोचेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप कुछ देने का सोचें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का सोचेंगे कि यार मैं ये डिलीवर करूं, मैं ये करना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे आप अपनी मिसाल के आप एक टीचर हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक मिशन बनाती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कम से कम और ज़्यादा कर सकती हूँ, और कम से कम 10 बच्चों को मैट्रिक करवाऊँ, जो बच्चे फीस नहीं दे सकते, बहुत गरीब हैं, वो भले, ठीक है ना, 10 के बाद आप फिर सोचेंगे 50 को कराऊं, 100 को कराऊं। अच्छा, जब आप 100 बच्चों को मैट्रिक करा लेती हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक टीचर हैं, आपका एक इंस्टीट्यूट बन जाता है, आपको वहाँ से अर्निंग होती है, ठीक। आप देने का सोचती हैं, अच्छा, मिशन बनाती हैं अपनी ज़िंदगी। मैंने इन लोगों में ये भी चीज़ देखी है कि हर इंसान इंडिविजुअल अपने तौर पे सोचता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है मुल्क की तरक्की में, मैं किस तरीके से काम आ सकता हूँ, मैं किस तरीके से अपना योगदान दे सकता हूँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें इस वीडियो में एक और बात बताई गई कि आने वाला सुपर पावर यानी कि 2050 में हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया अमेरिका को पिछाड़ देगा और अमेरिका से बड़ा सुपर पावर बनकर दिखाएगा। तो मुझे तो लग रहा है 2015 ज़्यादा बोल दिया, 2040-45 ही मुझे लग रहा है कि बन चुका होगा। बिल्कुल। और अब मुझे लगता है कि हमें इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने चाहिए, खुशगवार ताल्लुकात रखने चाहिए, क्योंकि अब जो हालत है इंडिया की, बिल्कुल, मेरे हिसाब से हमें उनको फॉलो करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, उनके जो लोग थे जो बाहर मुलाजमत कर रहे थे, जो बाहर की कंपनीज में वो भी सब वापस छोड़ कर आ रहे हैं इंडिया में, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इंडिया की तरक्की में हम भी अपना किरदार अदा करें। बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई भैया ने, बहुत ही ज़्यादा डिटेल दी, बहुत ही अच्छी नॉलेज दी और बहुत ही मेहनत से बनाई। बिल्कुल। इनकी वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें, हमारी वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। दोबारा किसी वीडियो से लगा, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।